दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नौबतपुर वजीरगंज में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सफीपुर कोतवाली की PRV 112 इनोवा गाड़ी नंबर 2908 पर तैनात महिला RC रीता कुशवा, शशिकला यादव, सिपाही आनंद, चालक कृष्णेंद्र कोरंदी पॉइंट से वापस सफीपुर की ओर जा रहे थे। हरदोई उन्नाव रोड पर वजीरगंज के पास विपरीत दिशा में आ रहे इंडियन ऑयल का तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया, जिसके नीचे सवार सभी पुलिसकर्मी दब गए। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही अपने दल बल के साथ प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह ने जाकर JCB व क्रेन मंगवाकर सभी पुलिसकर्मियों को बाहर निकालकर गंभीर हालत में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर चिकित्सक ने रीता, शशिकला, चालक कृष्णेंद्र को मृत घोषित कर दिया। घायल आनंद को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी AK राय, क्षेत्र विधायक बंबा लाल दिवाकर, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी मौके पर मौजूद रहे। क्या है सारा मामला, देखिए संवाददाता रेहान खान की एक खास रिपोर्ट। आज लगभग शाम को 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत PRV 2908 एक इवेंट से वापस आ रही थी कि उसकी एक टैंकर से टक्कर हो गई और टैंकर PRV पर पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षियों की मृत्यु हो गई है, 1 आरक्षी घायल है। बहुत ही दुखद घटना है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, टैंकर के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है अब तक? सब पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है।